तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ये जो टेक्नो पोवा 2 है इसको आप लोग रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को रीसेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लोग रीसेट पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 बार क्लिक करना है। इसमें यह होगा कि आप लोगों का जो भी ऐप्स डाउनलोड किए रहेंगे, वीडियो ऑडियो जो भी आप लोगों का होगा, सभी चीज़ें डिलीट हो जाएगा। तो इसी पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लोग क्लिक कर दीजिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीसेट अभी हो रहा है, तब तक कि आप लोग वीडियो अभी देखते रहिए। तो अभी ये बिल्कुल स्टार्ट रीसेट हो चुका है, तो अभी इसको से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग अपना लैंग्वेज जो होता है हिंदी, या मैं इसी को कर देता हूँ इंग्लिश को, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इंडिया पे यहाँ चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ सिम कार्ड तो मैंने अभी निकाल दिया, तो अभी यहाँ स्किप पर मैंने क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाईफाई के लिए बोल रहा है कि कनेक्ट करो, तो मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, स्किप किया। तो मैं यहाँ पे अनटिक करता हूँ, से टिक करता हूँ, यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप लोग लॉक अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, स्किप कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है अभी देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है इस रीसेट होकर। जितने भी ऐप्स या कोई भी चीज़ था, सभी चीज़ें बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद आप लोगों को ये सभी वाईफाई सभी चीज़ें आप लोगों को ऑफ कर देना है, ताकि आप लोगों का बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन ना हो।